जो हो सही। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट्स। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे रिटायर हुए। नायगांव पुलिस स्टेशन में आज मुंबई पुलिस कमिश्नर को उनके कलीग्स ने दिया फेयरवेल। 1987 बैच आईपीएस ऑफिसर ने पिछले साल फरवरी 28 में मुंबई पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया था और उन्हें दो बार एक्सटेंशन भी मिला। आइए देखते हैं फेयरवेल परेड के अवसर पर रिटायर पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे ने क्या कहा। आज मुंबई पुलिस एक उत्तम सेरेमोनियल परेडचं फेअरवेल परेडचं आयोजन केलं होतं। मुंबई पोलीस दल हे एक अत्यंत सक्षम सुदृढ म्हणजे वेल इक्विप्ड असं दल आहे आणि त्याच्यापुढे येणारी कुठलीही चॅलेंजेस व्यक्ती सक्षमपणे सांभाळू शकतात हेच त्यांनी गेल्या एका वर्षात दाखवून दिलं। मुंबई पोलिसांची जी अफाट क्षमता आहे, त्यांचा सर्वसामान्य जनतेबरोबर जो कनेक्ट आहे, त्यामुळेच हे सगळं शक्य होऊ शकलं। मुंबई पोलिसांना धन्यवाद या परेडबद्दल आणि सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमाच्या प्रतिनिधींना देखील आपण माझ्याशी जे सहकार्य केलं त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। थँक्यू। संजय बर्वे के रिटायर होने के बाद नए कमिश्नर बने परमबीर सिंह। आईपीएस परमबीर सिंह 1988 बैच के हैं और 28 महीने उनके रिटायरमेंट को बचे हैं। परमबीर सिंह इससे पहले डीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो की पोस्ट पर थे। उन्होंने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बनने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मुंबई से हमारे महा इंडिया न्यूज़ की प्रतिनिधि फिरोज सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक और जो प्रायोरिटी रहेगी स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल में रखना, कंट्रोल में है, आगे भी कंट्रोल में रखना। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए, हमेशा से रही है, और महिलाएं चाहे दिन हो चाहे रात हो किसी भी समय सुरक्षित महसूस करते हुए कहीं भी आ जा सकें, अड़चन ना आए, घर और सुरक्षा की भावना निर्माण ना हो, ये हमारा प्रायोरिटी एरिया है। कुछ पीछे सक्सेसेस अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़ी सक्सेसेस मिली हैं पीछे पुलिस को, तो उन सक्सेसेस के ऊपर बिल्ड करना और जो कुछ बचे कुचे एलिमेंट्स हैं अंडरवर्ल्ड के उनके ऊपर भी काबू लाना एक बड़ी प्रायोरिटी मुंबई पुलिस की और मेरी पर्सनली रहेगी, और उसके लिए मुझे मेरी जो पूरी टीम है, एक मुंबई पुलिस का परिवार है, उनका साथ रहेगा। टीम वर्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से रहा है, तो मैं अपनी टीम को साथ लेकर चलूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरी टीम मेरा पूरा साथ देगी, सीनियर ऑफिसर हों या कर्मचारी हों पूरे, उनसे मेरा पुराना नाता है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक दुनिया की सबसे अच्छी फोर्सेज में मुंबई पुलिस मानी जाती है, वो किसी भी चैलेंज को मीट करने में दे विल राइज टू द चैलेंज, और इस शहर को हम बहुत ही एक अच्छी पुलिसिंग दे पाएंगे, सुरक्षा का माहौल दे पाएंगे। तो कार्रवाई हमारी क्राइम ब्रांच कॉम्पिटेंट है, पुलिस स्टेशन कॉम्पिटेंट है, मिलजुल कर हम कोशिश करेंगे बड़े बड़े केसेस भी क्रैक किए जा सकें, लेकिन उसके लिए मुझे ये भी पहले मानना पड़ेगा कि बड़े केसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े गैंगस्टर या बहुत बड़े रैकेटियर्स इस समय ऑपरेट करते हैं। अगर कोई इस प्रकार का रैकेट सामने आता है तो शायद उस पर क्रैक डाउन किया जाएगा। इस समय माहौल अच्छा है, मेरे प्रेडिसेसर्स ने टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और उसी कार्य के ऊपर हमको बिल्ड करना है, और मुझे विश्वास है ऐसा अच्छा कार्य। स्पेसिफिक में जाना उचित नहीं होगा इस केस पर, लेकिन बड़ी सक्सेसेस मिली हैं आप सभी को मालूम है, और जो बचे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ गैंगस्टर हैं, कुछ छोटे मोटे गैंगस्टर हैं जो बड़े गैंगस्टर का नाम लेके धमकियाँ देते हैं, करते हैं, कार्रवाई उनके ग्रुप जारी रहेगी, और निश्चित ही जल्दी जो बची कुछ एक्टिविटी है उसे काम।
गिरफ्तारी के बाद आपने टीम की बात की है, तो ये एक महीने में टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इस टीम के काम के बाद ही पता चला है कि डिपार्टमेंट के भी कई पुलिस अफसर अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट हैं। आप आए हैं, क्या उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे या इससे पहले जो कमिश्नर थे उन्होंने जाने के बाद वो चीज़ें वहीं थम जाएंगी, ये मुझे पूछना। जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिस प्रकार से प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया है, वो जारी रखा जाएगा। डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन में जाना नहीं चाहूँगा, मुझे जानकारी भी नहीं है, ब्रीफिंग दूंगा, लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन जो इसमें अब तक हुआ है उसको जारी रखा। प्रोटेस्ट करना लोगों का एक डेमोक्रेटिक अधिकार है, जब तक कि वो कानून नहीं तोड़ते, कुछ हिंसा पर नहीं उतरते, किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर बाकी आम आदमियों की ज़िंदगी में अगर वो कोई बाधा नहीं बनता है, तो लोगों का हम अधिकार से वंचित नहीं करना चाहेंगे, अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उनसे अपील यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कानूनी तरीके से अपने राइट को एक्सरसाइज। लेकिन इलीगल मैं एग्जामिन करूँगा, डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैंने कहा है, प्रोटेस्ट करना किसी का अधिकार है, लेकिन कानून को तोड़ना किसी का भी अधिकार नहीं है। कानून के दायरे में रहते हुए जो प्रोटेस्ट करेंगे उसके बारे में उनके साथ जो मैं अलर्ट्स के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा, और उसके बारे में जो भी चैलेंजेस हैं उसको किस प्रकार से अभी तक संभाला है मुंबई पुलिस ने, आगे क्या कार्रवाई करनी है, मेरी टीम से कंसल्ट करते हुए आवश्यकता। मुंबई आई थिंक स्ट्रीट क्राइम वाइज दुनिया के सबसे सेफ शहरों में से गिना जाता है, भारत ही नहीं दुनिया के सबसे जो अधिक सेफ शहर है उसमें माना जाता है। जो कुछ थोड़े बहुत चेंज स्नैचिंग इस प्रकार के गुने होते हैं उनको भी कर्व किया जाएगा, रोड रॉबरीज या जो टैक्स स्नैचिंग के कुछ गुने होते हैं उन्हें कर्व किया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि मुंबई के लिए मुंबई दुनिया के सबसे सेफ शहरों में से एक शहर माना जाता है। सर, जिस तरह से आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पुलिस का आधा समय जो है वो इन्वेस्टिगेशन पर भी फोकस रहे, उसको लेकर क्या करें? तो लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन से सेपरेट करना, तो ये तो एफर्ट पहले से जारी है। लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए कुछ सेपरेट हर पुलिस स्टेशन में स्टाफ भी, इंस्पेक्टर रैंक का भी अधिकारी दिया जाता है, क्राइम के लिए अलग अधिकारी दिया जाता है, और ऐसी कोशिश की जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो ड्यूटी है उसका असर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन पर ना पड़े। जिस प्रकार से हमको इंस्पेक्शन गवर्नमेंट से मिलेंगी उस प्रकार से कार्य किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि आने से जो हो सही। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट डेली अपडेट।